एबीपीएस न्यूज का कारवां अमरोहा जिले के कोराल उर्फ नया गांव पहुंचा, जहां पर चीनू रानी इस समय ग्राम प्रधान है, जिन्होंने अपने प्रयासों से गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 102 शौचालय का निर्माण कराया है। साथ साथ इस गांव में मात्र एक ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अभी 15 आवास की और आवश्यकता है, साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ बनना बहुत जरूरी है। 300 मीटर की सड़क की भी मांग है, तो वहीं पीने के पानी के लिए पानी की टंकी का निर्माण भी इस गांव की जरूरतों में शामिल है। बताते चलें कि इस गांव की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से 4200 है और 1935 वोटर यहां पर हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में 100 और जूनियर हाई स्कूल में 600 बच्चे पंजीकृत हैं। इस गाँव में ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय और आवास के अलावा नाली, खड़ंजे आदि का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन जो गांव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे सड़क का निर्माण जो 3000 मीटर और मांगी जा रही है, वो सरकार देगी, और पानी की टंकी का निर्माण कराने के लिए भी काफी धन की आवश्यकता होगी। साथ साथ 15 प्रधानमंत्री आवास मिलने से 15 परिवारों को छत नसीब हो जाएगी, तो आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी इस गांव में होना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो एक अस्पताल की यहां व्यवस्था है, लेकिन उस अस्पताल में भी समय से कर्मचारियों का ना पहुंचना गांव वालों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है। प्रधानपति ग्राम पंचायत कोराल मजरा नया गाँव जिला अमरोहा विकास खंड अमरोहा का स्थायी निवासी हूँ, और जो है क्या कहते हैं, गांव में बहुत सारे कच्चे रास्ते हैं जिनमें पैसा न आने के कारण विकास नहीं हो पा रहा है, जैसे कि और जो बहुत सारे लोग पात्र लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास बनने लायक हैं, वो भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। जैसे कि सरकार ने प्रधानों के सारे अधिकार छीन रखे हैं, और स्कूल प्रधान के काम को देखते हुए मात्र 2500 रुपये मानदेय है, एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर की तनख्वाह 45,000-40,000 रुपये है, जो कि स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। सोते हैं राम से।